हाय दोस्तों, ये एक नया नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ फुल टाइम सीनियर एडवाइज़र माइनिंग इन CMPDI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है, जो रिटायर्ड हो गए हैं कोल इंडिया के डायरेक्टर लेवल पे जो भी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, तो उनके बारे में क्या क्राइटेरिया है, क्या डिजिग्नेशन है, क्या टर्म ऑफ जॉब रहेगा, नेचर क्या रहेगा, उसके बारे में सब जानकारी ले लेते हैं। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ फुल टाइम सीनियर एडवाइज़र माइनिंग फ्रॉम रिटायर्ड बोर्ड लेवल डायरेक्टर फ्रॉम सब्सिडरीज ऑफ CIL एंड अदर CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट ऑन कंपनीज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। जितनी जो भी गवर्नमेंट कंपनी है या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है जो कोल उत्पादन से रिलेटेड है इंडिया के अंदर, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते, उस माइंस में अगर डायरेक्टर लेवल पे जो हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द पीरियड फॉर इंगेजमेंट एज फुल टाइम सीनियर एडवाइज़र माइनिंग विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच मे बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय एडिशनल 1 ईयर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये 1 साल का जॉब रहेगा और फर्दर ये 1 साल बढ़ सकता है। इट्स सोली डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। VRS ऑप्टी विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो लोग VRS ले लेते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पे एंड अलाउंस, अदर बेनिफिट्स आर मेंशन बिलो। एप्लीकेशन में बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट गिवन ऑन एनेक्सचर बी मीटिंग क्राइटेरिया एज मेंशन इन एनेक्सचर ए ऑफ नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन मस्ट रीच इन द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड स्पेशल अचीवमेंट्स थ्रू ईमेल एट gmp.cmpdi@coalindia.in और टू जनरल मैनेजर पर्सनल CMPDIL गोंडवाना प्लेस कांके रोड रांची थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और थ्रू पर्सनल डिलीवरी इन सेंट्रल रिसिप्ट डिस्पैच सेक्शन ऑफ CMPDI रांची नॉट लेटर देन 16। आप डायरेक्ट अपने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसा कि एनेक्सचर बी में जो फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में अपना जो भी बायोडाटा लिख कर इस गिवन ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, या तो डायरेक्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, या तो आप हैंड टू हैंड भी जाकर दे सकते हैं। लेकिन 16 तारीख इसका लास्ट डेट है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, 11 तारीख है, ठीक है। तो आप 16 तारीख इसका लास्ट डेट है, तो आप फटाफट जाके, जिसने भी इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। CMPDI मैनेजमेंट शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन ट्रांजिट, ठीक है। वो तो सही बात है, उनको उनकी क्या जिम्मेदारी है इसमें। इसके बाद ये देखिए, इनका जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट फुल टाइम सीनियर एडवाइज़र माइनिंग, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रांची हेडक्वार्टर, ग्रेड लेवल रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ CPSU और इक्विवेलेंट फ्रॉम CPSU और स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए माइनिंग में 60% के साथ और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस, एप्लीकेंट शुड हैव मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ माइनिंग प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर कोल माइंस। एडिशनली ही शुड हैव एक्सपीरियंस इन
प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर मेटल माइंस, प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल कस्टमाइज टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर इंगेजिंग MDO इन कोल माइंस, कंसल्टेंसी रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, इन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क, एडवाइजिंग CMPDI ऑन द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर मेटल माइंस, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल कस्टमाइज टेंडर डॉक्यूमेंट ऑफ इंगेजमेंट ऑफ MDO फॉर CIL सब्सिडरीज, कंसल्टेंसी सर्विस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ CIL सब्सिडरीज, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटेड रिपोर्ट पर्टेनिंग टू कोल माइंस, रेंडरिंग अदर सर्विस एज असाइन बाय द हायर अथॉरिटी CMD CMPDI एंड अबव फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब पर इसमें एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो है 65 ईयर्स का एज लिमिट है, या कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट जो CIL का 17/3/2018 में भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था एडवाइज़र के लिए, तो उसमें आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो सेम वही कंडीशन इसमें भी रहेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उस PDF का। इसके बाद एलिजिबिलिटी यस और सैलरी क्या क्या, आपको 1.5 लाख सैलरी मिलेगी, इसमें अकोमोडेशन मिलेगा अगर आप बाहर रूम लेके रहते हैं तो, 16% आपको कंसोलिडेटेड पे का मिलेगा। इसके बाद कन्वीनियंस मिलेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगा आपको आने जाने के लिए गाड़ी, अगर नहीं देता है तो 5% आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा, आप अपना अरेंजमेंट खुद कर लीजिए। मोबाइल रिम्बर्समेंट मिलेगा 750 रुपये तक, तो एलिजिबल, तो पैसे के बारे में देख लीजिए, आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा इसमें, अकोमोडेशन मिलेगा, अगर अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो 16% आपको 1.5 लाख का मिलेगा, आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, वो नहीं देता है अगर गवर्नमेंट कंपनी तो आपको 5% 1.5 लाख का मिलेगा, वो सब ऐड हो जाएंगे, और 750 रुपीज़ पर मंथ रिम्बर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो समझ लो अगर ऐसे 1.5 लाख करीबन 15,000 20,000 ये और ये 5,000 करीबन 1,80,000 के लमसम मिल जाएगा इसमें। इसके बाद हाँ, ऑल करेस्पॉन्डेंस विद द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द पोस्टल एड्रेस ईमेल एड्रेस गिवन ऑन द बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। CMPDI मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू आइदर तो वर्चुअल मोड ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। इसमें इंटरव्यू भी ले सकता है या तो पर्सनली मिल लेंगे, तो भी इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कम रहेंगे इसमें, इतना हाईली क्वालिफाइड आदमी और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, जाहिर सी बात है बहुत कम लोग रहेंगे, तो इसमें ज़्यादा सिलेक्शन मोड में ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं दिया जा सिलेक्शन मोड में, इसीलिए इसमें सीधा सीधा लिख भी दिया है कि या तो इंटरव्यू लेंगे या तो डायरेक्ट ही रख लेंगे वर्चुअल कम्युनिकेशन में। इसके बाद ये आपका यहाँ ये देखिए, इस फॉर्मेट में आपको अपना एक बायोडाटा लिख के इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, इसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका प्रिंटआउट निकालिए और इस पर अपना जो भी डॉक, या तो इसी के हिसाब से आप इनके ईमेल आईडी पर इस फॉर्मेट में मेल कर दीजिए। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे, इसका लिंक जो है PDF का वो मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा है, इसमें आप अपना बायोडाटा इस तरीके से लिख के अपना साइन करके इनको मेल कर दीजिए, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए या तो खुद जाकर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह की ये वैकेंसी थी।
आप फिर से एक बार ये देख लीजिए इसको। फुल टाइम सीनियर एडवाइज़र का वैकेंसी है, 1 साल एक वैकेंसी है। संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं झट से 10 सेकंड में। रिटायर्ड डायरेक्टर जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए बीटेक इन माइनिंग और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का कम से कम। इन एक्सपर्टाइज होना चाहिए ये सारे फील्ड में, ठीक है। एज जो है 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 साल तक के लिए रहेगा और 1 साल बढ़ सकता है। सैलरी आपको करीबन 1,80,000 के लमसम सैलरी मिल जाएगी, और रिटायर होने पर जो पेंशन मिलती है वो अलग। तो बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा सैलरी मिल रहा है। तो और इस फॉर्मेट में आपको सेंड कर देना है। तो और इसी तरह के रिक्रूटमेंट और अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट के लिए चैनल पे बने रहिए। अगला वीडियो मैं अगले रिक्रूटमेंट, नए रिक्रूटमेंट के साथ फिर से पेश करूँगा।